यो गाइस इट्स मी दिस मी रैपर यार। तो आज मैं इतना आपसे डो क्योंकि मैंने टीम इंडिया को इतना सपोर्ट किया कि वो बाहर हो चुके हैं। क्योंकि यार आप ऐसा टीम को सिलेक्ट करोगे तो नतीजा ऐसा ही होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया टीम में यो कौन सिलेक्शन करता है और सिलेक्शन कैसा होता है। तो जो इंडिया टीम हारने के बाद इनका जो कोच है, कोच जो महाशय का नाम है रवि बोरा, ये यो हर वक्त दारू पी के रहता है और यो बोलते हैं कि उन महाशय यो कोच कह रहा था कि उनका जो टीम टीम चेयरमैन चेयरमैन से बाहर थे बावल के साथ और दूसरा टीम जो है वो तो बेबी सेम कंडीशन थे। तो उन लोग ना कैसे इंडिया से जीत गए हैं, उन लोग पीछे तो सेम प्रैक्टिस किया है, सेम बावल कर रहा था, तो वो लोग कैसे जीत गए हैं, तो तुम लोग कैसे जीतोगे। तो तुम लोग तो दुबई पे गए हो पार्टी करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, हेलोइन पार्टी करने के लिए, फैमिली पार्टी करने के लिए, अपने बीवी को लेकर नाइट क्लब में जाने के लिए, तो तुम लोग कैसे विन हो गए। तुम लोगों का काम तो इंडिया को जिताना नहीं, तुम लोगों का काम है यो एडवर्टाइजमेंट करना, इंस्टाग्राम में यो फॉलोअर्स गेन करना, इंस्टाग्राम में जो फोटो आप लोग करोगे उसका जो लाइक है लाइक कमेंट पढ़ना और यो लड़की पटाना स्टाइल मारना, तुम लोग का तो काम यही है। तुम लोग का काम खेलने के लिए नहीं, तुम लोग का काम ये लड़की पटाना लड़कीबाजी करना, ये सब ही तुम्हारा काम है। तो BCCI ने बहुत अच्छे सिलेक्शन किए, बहुत अच्छे डिसीजन लिए यो कि रवि शास्त्री और विराट कोहली को टीम से निकालने की, और यो विराट कोहली को प्रो थी टीम से निकाल दो क्योंकि उसका खेलने का कोई जरूरत नहीं है। उसका जो बीबी के साथ जो बॉलीवुड में है बॉलीवुड में चला जाएगा, वहाँ पे जाके टीवी में डांस करेगा। अभी जो प्लेयर सिलेक्ट करोगे वो सुंदर सुंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि सुंदर सुंदर होने से वो भी ज्यादा स्टाइल मारेगा। लेकिन आप लोग ना काला काला प्लेयर चूज करना, काला काला प्लेयर ना ज्यादा सुंदर नहीं होता लेकिन वो खेलने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। जैसे कि डीजे ब्रेबो वो इतना काला है लेकिन उसका जो गेम है ना, देखा है ना कितना मजबूत तगड़ा खेलता है। तो ऐसा प्लेयर लेना, सुंदर सुंदर वाला प्लेयर मत लेना। सुंदर सुंदर लोग ना क्या बोलते हैं उसको, पाव के नीचे भी बहुत व्हाइट है, तो समझ लो क्या कहना चाहता हूँ। सुंदर सुंदर मत लेना और हैंडसम मत लेना, सेलिब्रिटी वाला प्लेयर मत बिल्कुल भी नहीं। हम लोग को चाहिए सिर्फ वाला टैलेंटेड वाला जो क्रिकेट स्टार क्रिकेटर रहता है उसको ले ले। तो मैं BCCI से यही लास्ट निवेदन करूंगा कि यो आप लोग मुझे नेक्स्ट प्रेसिडेंट यो बनाना, और अगर आप मुझे प्रेसिडेंट बनाओगे ना तो मैं इंडिया को इंडिया टीम को यहाँ से पहुँचा दूंगा क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। और अगर आप मुझे प्रेसिडेंट बना लेंगे ना तो आप बहुत ही अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि हम लोग डिजिमिनल बाबा डिजिमिनल को प्रेसिडेंट बनाए हैं और डिजिमिनल ने हम लोग को कहाँ से कहाँ तक लेकर गया है। तो ये मेरा निवेदन रहा कि मुझे नेक्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रहा, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे। ये डिजिमिनल पर बुच्चो 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 बुच्चो।